सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को 31 नए मरीज सामने आए, जिसके कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1090 पहुंची। इसी को लेकर MH1 प्राइम के संवाददाता कमल कुमार ने CMO योगेश कुमार शर्मा से खास बातचीत की। करनाल CMO योगेश कुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, ये सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज जो कोरोना वायरस के जो है जिले में कितने मामले सामने आए? आज के दिन में अभी तक 31 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें 22 केसेस जो हैं वो RT-PCR से आए हैं और 9 केसेस जो हैं वो एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से कंफर्म हुए हैं। तो उनको हमारी टीम्स जो हैं आइसोलेट कर रही है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। बात करें तो लगातार जो है रिकवरी हो रहे हैं पेशेंट, आज भी कितने पेशेंट को छुट्टी, कल भी जो है लगातार रिकवर होकर पेशेंट आ रहे हैं कोविड सेंटर से, उसके बारे में जानकारी बताइए कितने पेशेंट आज छुट्टी ले। ये अच्छी बात है कि आज भी हमारे अभी तक 52 पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं, तो हमारा करनाल का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हम 75% से अबव आज की डेट में हमारा रिकवरी रेट है। केसेस जरूर आ रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी रिकवरी रेट भी है। बात करें तो CHC पे भी अब लगातार कल बैठक हुई थी जिला उपायुक्त के साथ, तो वहाँ भी टेस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, उसके बारे में सर क्या कहें? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा अपनी तरफ से यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। इसके लिए हमने करनाल में जहाँ पहले एक कल्पना चावला में ही टेस्टिंग सेंटर था, कलेक्शन सेंटर, उसको 2 सेंटर फिक्स्ड और बढ़ाए हैं, सेक्टर 6 की डिस्पेंसरी में और एक पॉलीक्लिनिक सेक्टर 16 में। इसके अतिरिक्त जितनी हमारी CHC हैं या सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी हम फिक्स्ड डेज जो हैं वहाँ फिक्स कलेक्शन सेंटर्स डेली के लिए हम बनाए हैं, कि जिससे कि लोग बिना झिझक के वहाँ पे जाके अपना टेस्ट करवाएं। मैं ये कहना अपील भी करना चाहूँगा कि किसी तरह की कोई बिना घबराहट के आप जाएं टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में पॉजिटिव कोई आता भी है तो उसको इमीडिएटली हमारी टीम्स जो हैं प्रॉपर होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में उनका इलाज भी करेंगी, लेकिन साथ में वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं बनेगा, इसलिए अपना टेस्ट अवश्य करवाएं। बात करें तो आखिरी सवाल, लगातार कुछ लोग हैं जो सैनिटाइजर का रोजाना प्रयोग करते हैं, तो लोगों को किस तरह प्रयोग करना चाहिए और मास्क के बारे में बताइए सर, क्या कहना चाहिए? ये जो हम बार बार सावधानियां बताते हैं, जिससे उन सावधानियों को रख के बहुत इजीली हम अपने इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम घर से बाहर निकलना है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य रखें, ध्यान रखें। मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, बहुत देखने में ये आया है मास्क नाक के नीचे या ठोड़ी के ऊपर ही लगा होता है, लेकिन पूरी तरह नाक और मुंह ढक के मास्क पहने और बार बार अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। हाथ को साबुन से 20 सेकंड के लिए या सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करते रहें। तो ये थे हमारे साथ करनाल के CMO योगेश कुमार शर्मा जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जहां जिले में जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं बात करें तो जिले का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। आज भी जो है 52 लोगों को जो है कोविड केयर सेंटर से छुट्टी मिली है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।